नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक प्रॉब्लम के बारे में जो कि सिंगल फेस समर्सिबल मोटर के अंदर होती है। ठीक है, सिंगल फेस वाली में V4 या V3 मोटर के अंदर समर्सिबल में तो प्रॉब्लम है कि मोटर जो है, जब आप स्टार्ट करते हैं स्टार्टर से मोटर को, तब मोटर एम्पियर लेती है लेकिन स्टार्ट नहीं होती। एम्पियर भी उतना लेती है जितना मोटर जैसे पहले 8 एम्पियर लेती थी, और स्टार्ट करने पे बाद में 22, चलने पे 8 लेती थी, वैसे 22 ले रही है। ठीक है, और पानी दे नहीं रही है, मोटर चल नहीं रही है। तो क्या कारण हो सकता है इसका? ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सिंगल फेस की समर्सिबल होती है मोटर, उसमें 3 तार होते हैं मोटर के अंदर। ठीक है, मैं यहां पे बना देता हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये V3 V4 मोटर होती है जो कि घर के अंदर होती है। V3 या V4 समर्सिबल मोटर, इसके अंदर दोस्तों 3 तार मोटर के अंदर आते हैं। मैं सेटअप बाय सेटअप आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, कैसे कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको पकड़ना है। इसलिए मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप उसका सॉल्यूशन कर सके आराम से। ठीक है दोस्तों, मोटर के अंदर 3 तार हैं। देखिए, पहला जो कारण होता है मोटर का, कि आप स्टार्टर का जैसे ही बटन दबाते हैं तो एम्पियर ज्यादा लेती है और मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो उसका पहला कारण यह है कि मोटर के, हो सकते हैं मोटर के कैपेसिटर खराब हो गए हैं, वीक हो गए हैं। पूरी तरह से खराब भी नहीं, लेकिन वीक हो गए हैं। ठीक है, अगर कैपेसिटर वीक होंगे तो मोटर जो है वो नहीं चलेगी और एम्पियर मोटर ज्यादा लेगी। ठीक है, तो आपको कैपेसिटर चेक करना है। सबसे पहले आपको जो कैपेसिटर चेक करना है वह है रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर मतलब रेगुलर वाला कैपेसिटर। ठीक है, जो रेगुलर कैपेसिटर होता है वह है। तो रेगुलर कैपेसिटर मैं यहां पे बना देता हूं। इसको रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, ये रनिंग कैपेसिटर है। इसके 2 तार एक साइड ही होते, मैंने अलग अलग साइड बना दी है। ठीक, तो इसका पहले आप उसको चेक करने का तरीका है कि आप उसको निकाल लें, अपने स्टार्टर से निकाल लें, और ये जो है इसके दोनों सिरों को सीधा वोल्टेज दें 220 वोल्टेज, और फिर इसको आपस में भिड़ा के देखें दोनों तारों को हटाने के बाद वोल्टेज से। अगर ये तेजी से चट चट करता है, स्पार्किंग करता है बहुत तेजी से, तो ठीक है। नहीं तो अगर कम धीरा, मतलब धीरे धीरे करता है स्पार्किंग, चट चट की आवाज, तो करंट कम भरता है, इसका मतलब ये चार्ज जो है वो कम हो रहा है, वीक हो चुका है। तो ये कैपेसिटर है वीक हो गया है। तो आपको क्या करना है? ठीक है, सीधा का सीधा जैसा कि जैसा स्टार्टर में लगा है मोटर का तार, सबको ऐसा का वैसा रहने दे। जहां पर ये रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है वहां पे एक और उसी नंबर का कैपेसिटर लगा दें, उसी की पिन में, यहां पे और यहां पे 2 तारें होती है, दोनों के अंदर लगा दें। ठीक है, तब भी मोटर ना चले तो आपको क्या करना है? आपको जो दूसरा वाला जो कैपेसिटर होता है
जो धक्का लगाता है मोटर को एक बार, जो ग्रीन बटन से जुड़ा होता है, एक बार धक्का लगाता है, जिसको स्टार्ट कैपेसिटर कहते हैं, एक बार 1 सेकंड के लिए कार्य करता है। तो उसको आपको उसकी भी जगह आपको एक बार लगा के देखना है। दूसरा, हो सकता है वो भी खराब हो गया हो, ठीक है, या फिर आप दोनों के जगह एक एक लगा के देख सकते हैं। फिर आपको देखना है एम्पियर कम होते हैं या बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मोटर चल गई तो एम्पियर कम हो जाएंगे और कैपेसिटर की प्रॉब्लम होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो आपको क्या करना है, दोनों जो कैपेसिटर है उनको अच्छे से बाहर निकाल लेना है और फिर चेक करना है दोनों को, ठीक है। तो चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जो रनिंग का कैपेसिटर है, जो रेगुलर कैपेसिटर है रनिंग का, उसमें तो यह है कि दोनों तारों को आपको वोल्टेज में देना है और फिर चेक करना है। अगर चट चट मंदा करता है, कम करता है, ठीक है, नए कैपेसिटर से कम करता है उतने नंबर के से, तो खराब है। अगर बराबर कर रहा है तो ठीक है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा एक दो बार आप चेक करेंगे जो। और जो स्टार्ट कैपेसिटर जो है, जो स्टार्ट कैपेसिटर है उसका, ये आपको बिजली में लगाना है। जब शुरू में लगाएंगे जब तो तेज ही करेगा, खराब रहेगा तब भी वो तेज ही करता है, ठीक है, लेकिन 2-3 बार आप लगाएंगे तो फिर वो धीरे पड़ता चला जाएगा, मतलब धीरे 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 वो चट चट करने लग जाएगा। तो इस तरह से आप स्टार्ट कैपेसिटर को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जुड़े होते हैं एक एक पॉइंट रनिंग कैपेसिटर के, यहाँ से ऐसे, और ये जो पॉइंट होता है ये सीधा यहाँ पे होता है, ठीक है। बाकी फिर ये जो स्टार्ट है रनिंग का, तो मतलब रेगुलर वाला है, तो ये तार तो डायरेक्टली लाल से यहाँ पे जुड़ा होता है, और ये वाला है, ये एक ग्रीन बटन होता है उससे ऐसे जुड़ा होता है। जब इसको दबाते हैं, रनिंग तो रेगुलर है और स्टार्टिंग जब कार्य करता है, जब इस बटन को दबाते हैं जब स्टार्टिंग भी कार्य करता है मोटर में, इस तरह से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहला तो कैपेसिटर आपका खराब हो सकता है, तो कैपेसिटर को आप चेक करें, दोनों को बदल के देखें, नए लगा दें उसकी जगह उसी नंबर हो गए, ठीक है। अगर कैपेसिटर ऊपर लगाने से या कैपेसिटर बदलने से आपकी मोटर नहीं चलती है, तो उसका कारण हो सकता है आपका जो यहाँ पे मोटर और स्टार्टर का जो वो होता है, जहाँ पे तार जोड़ते हैं, ठीक है, वहां से कोई एक तार में करंट नहीं आ रहा है। यहां से कैपेसिटर तो मतलब ठीक है, करंट यहां पे दे रहे हैं, जो सॉकेट है वहां से मोटर के अंदर एक तार नहीं जा रहा है, बाकी रेड और ब्लू में ही यहां पे करंट जा रहा है, इसलिए मोटर एम्पियर ज्यादा ले रही, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आपको सीधा कार्य करना है दूसरा, कि आप जैसे मैंने सीधा यहां पे जोड़ा है, तो आप सीधा का सीधा कैपेसिटर को निकाल लें अंदर से और डायरेक्टली मोटर के तारों में जोड़ के मोटर को स्टार्ट करें। आपको ऐसे जोड़ने हैं, मैंने बताया, देखिए ऐसे जोड़ने हैं आपको, पीले में एक रनिंग कैपेसिटर जोड़ देना है और उसी रनिंग कैपेसिटर से एक स्टार्ट वाला जोड़ देना है वहीं की वहीं, और फिर आपको करंट देना है ब्लू में, करंट देना है 220 वोल्टेज, और रेड में देना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों में देना है, इसमें प्लस इसमें माइनस, उल्टा से उल्टा आप कैसे दे सकते हैं, इसमें इन दोनों तारों में देना 220, ठीक है। तो यहां से फिर ये रनिंग से, रनिंग तो डायरेक्ट हो जाएगा कैपेसिटर, और स्टार्टिंग का आपको करना क्या है, यहां से ये दूसरा तार है, एक बार आपको बिठाना है सिर्फ यहां पे, एक बार यहां पे बटन लगा के दिखा रखा है, एक बार बिठाना है और चट से करेगा और मोटर आपकी चल जाएगी। फिर भी नहीं चले आपकी मोटर, फिर भी नहीं चल रही है, इसका मतलब है कि आपकी मोटर जो है उसका जो ये, फिर आपको मोटर की कंटिन्यूटी लेनी है, कैसे, ये मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर से इन तीनों तारों में आपस में करंट आना चाहिए, आपस में कंटिन्यूटी आनी चाहिए तीनों तारों की। अगर एक में कंटिन्यूटी नहीं आती, जैसे कि पीले वाले में नहीं आ रही है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है मोटर की वाइंडिंग के अंदर, लेकिन कंटिन्यूटी बराबर आ रही है तो प्रॉब्लम है कि मोटर जाम हो चुकी है। फिर उस कंडीशन में आपको फिर मोटर निकलवानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। हो सकता है मोटर के अंदर कुछ अटक गया हो, ठीक है, या मोटर के बुश खराब हो गए हो, या उसके बैरिंग खराब हो गए हो, ठीक है, इस तरह से मोटर अटक जाती है। तो सेटअप बाय सेटअप आपको सबसे पहले कैपेसिटर नंबर 1,
कैपेसिटर चेक करने हैं, कैपेसिटर चेक करने हैं, ठीक है। नंबर टू आपको डायरेक्ट मोटर को चलाना है, फिर डायरेक्ट चलाना है आपको, ठीक है। नंबर थ्री फिर डायरेक्ट भी नहीं चलती है तो मोटर को चेक करना है, मोटर की कंटिन्यूटी लेनी है, ठीक है, मोटर को चेक करना है। और उसके बाद भी अगर नहीं चलती है तो मोटर को निकाल कर उसके बुश बैरिंग को चेक करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स होती है मोटर के अंदर कि नहीं चलती, आप सेटअप बाय सेटअप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो है दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और ये डायग्राम भी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, छोटा सा सिंपल सी भाषा में मैंने बताया है किस तरह से जुड़े होते हैं कैपेसिटर, बस सिंपल हैं, जैसे फैन को स्टार्ट करते हैं ऐसा कि ऐसा मोटर स्टार्ट होती है सिंगल फेज की, या जो चक्की मोटर होती है बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। इसमें बस फर्क है कि जो एक कैपेसिटर लगता है धक्के वाला, इसमें बटन लगा होता है स्टार्टर में ग्रीन, या तो आपको एक बार बटन दबाओ स्टार्टर से ग्रीन, या फिर आप एक बार इसको टच कर दो। चक्की मोटर में होता क्या है कि ये कैपेसिटर जो होता है वो क्लच प्लेट से जुड़ा होता है, ठीक है, तो पहले धक्का लगाता है फिर वो क्लच प्लेट जो है वो हट जाती है साइड से, फिर कैपेसिटर का काम खत्म हो जाता है। तो सेम टू सेम नंबर के आपको लगा के देखने हैं, अगर उनसे भी मोटर नहीं उठ रही है, ठीक है, तो आपको थोड़ी ताकतवर लगा के देखने हैं। कई बार क्या होता है मोटर थोड़ी जाम हो जाती है, कई बार मोटर का पंप भी जाम हो जाता है और मोटर भी जाम हो जाती है, तो उस कंडीशन में थोड़ी हैवी लगा के देख लें आप, हैवी नंबर के, ठीक है, तो भी नहीं चलती है तो फिर आपको क्या करना है कि कंटिन्यूटी लेनी है, एक बार मोटर के तार देखने, वाइंडिंग ठीक है या नहीं है, आपस में आ रही है ना कंटिन्यूटी, या और कंटिन्यूटी बन रही है तो फिर खींच लो मोटर को, फिर तो आपको मोटर खींचना ही पड़ेगा दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे फिर या तो वाइंडिंग में दिक्कत है, वाइंडिंग का एक तार में दिक्कत है, कहीं से एक तार टूट गया है, जल गया है, कट गया है, कुछ भी हो सकता है, और ये वाला पीला वाला, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपको मोटर को निकालना होगा। तो अगर वीडियो आज आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदर जानकारी के लिए इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको और भी जानकारी इसके बारे में देंगे, ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।